प्रश्न एक, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी कौन सी मानसिकता को दर्शाती है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। परतंत्रता यानी दूसरों पर निर्भर रहना। चाटुकारिता, खुशामद या चापलूसी या चमचागिरी उनके तन मन में विद्यमान है, और जहाँ चाटुकारिता का भाव होता है, वहाँ फिर अपने सम्मान का भी कोई महत्व नहीं होता है। सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है, जिसने ना जाने कितने ही कहर हम सब पर ढाए। यहाँ सरकार उसके अत्याचारों को याद ना करके उसके सम्मान में जुट जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्र होने पर भी परतंत्रता की आदत या चाटुकारिता की आदत अभी समाप्त नहीं हुई है। सरकारी तंत्र अपनी मर्यादा को पीछे रखकर उस जॉर्ज पंचम नाम के व्यक्ति की नाक के लिए चिंतित है, जिसका कोई महत्व नहीं है। इस तरह की जो सरकारी तंत्र अयोग्यता, दूरदर्शिता, मूर्खता, चाटुकारिता को दर्शाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।